मूड़ा पांडे क्षेत्र के पंचायत डिलरा रायपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के नहीं पहुंचने से तमाम लोग मायूस हुए। जन चौपाल लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पहुंचना था। मुरादाबाद में काफी विलंब होने से उप मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द हो गया। डिलरा रायपुर में छात्र छात्राओं और अन्य लाभार्थियों को भी बुला लिया। 1:30 बजे डिप्टी सीएम को गाँव में पहुंचना था, पर वो मुरादाबाद से सीधे हवाई अड्डे पहुंच गए। लगभग 4:30 बजे जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी हेमराज मीणा, सीडीओ सुमित यादव पहुंचे और लाभार्थियों को ट्राई साइकिल, 4 बच्चों को लैपटॉप वितरण, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी की। विलम्ब से आए माननीय डिप्टी सीएम साहब, उसके बाद लगातार कार्यक्रम रहे जिसके कारण आज नहीं आ पाए। और जैसा कि माननीय डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि जल्द ही इस गांव का भ्रमण करेंगे, और इस भ्रमण के पीछे माननीय डिप्टी सीएम साहब की मंशा यही थी कि जो सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं वो धरातल पर सही ढंग से चल रही या नहीं चल रही, आपसे फीडबैक लेना था। आज आपने देखा होगा कि सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसमें से कुछ लाभार्थियों को यहाँ पर वितरण किया गया, चेक वितरण किया गया, कुछ को फीस दिए गए। कुल मिलाकर आप देखेंगे कि हमारी वर्तमान प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, एक बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर के उसके आकस्मिक मृत्यु होने तक हर स्टेज पर, जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में आता है उसका टीकाकरण होना, उसको प्रॉपर पुष्टाहार मिलना, फिर बच्चे के पैदा होने पर माँ के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाना जिससे वो अपना प्रॉपर आहार ले सके, उसके बाद आगे बच्चे की शिक्षा व्यवस्था, बच्चे के रोजगार को गांव के से और इंडस्ट्रीज से जोड़ा जाए, उसके अलावा हम अपने खेती का सही उपज प्राप्त करें, सही मूल्य प्राप्त करें, हर स्टेज पर वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ये तमाम तरह की सरकार की योजनाएं चल रही है। कुल मिलाकर सरकार की हमेशा मंशा हमारे प्रदेश सरकार की ही है कि लोग सुशिक्षित हों, लोग स्वस्थ हों, लोग आत्मनिर्भर हों और हमारे जनपद, हमारा प्रदेश, हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे, उसी को लेकर के आज यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मैं विकास परिवार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोगों ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में बहुत ही बेहतर ढंग से यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया। यद्यपि लोगों के मन में थोड़ा इस बात का निश्चित रूप से गिला होगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाए, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगली जब भी विजिट होगी तो मैं ब्लॉक प्रमुख जी से फिर आग्रह करूंगा और इस गाँव में हम लोग फिर आएंगे। डॉक्टर नवदीप जी ने बड़े अच्छे से तैयारी की है, कोई टीम ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आपका गांव चयनित इसीलिए किया गया था कि हम लोगों को विश्वास था कि आपके गांव में विकास कार्य बेहतर हुए हैं। एक अच्छा यहां के माननीय डिप्टी सीएम साहब को एक अच्छी नजारा दिखेगा, एक अच्छा सीन दिखेगा। और सुबह से आप लोग उप मुख्यमंत्री जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, आप सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि यहाँ के प्रधान जी, यहाँ के और भी जो जनप्रतिनिधि है, और आप लोगों से कि सरकार की एक मंशा ये भी रहती है कि पारदर्शी सरकार है, लोगों की जो सरकार की योजनाएं हैं लोगों तक सही ढंग से सही समय पर पहुंचे, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि योजना बनना एक बात है, आप तक पहुंचना एक बात है। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन करने के पीछे जो मंशा होती है यही होती है कि इस तरह की योजनाएं सही ढंग से। इस मौके पर सीओ हाईवे डॉक्टर गणेश गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर नवदीप यादव, जिला पंचायत सदस्य अजय वीर यादव, बीडीओ श्रद्धा गुप्ता, जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह आदि तमाम लोग मौजूद थे।
विलम्ब से आए माननीय डिप्टी सीएम साहब, उसके बाद लगातार कार्यक्रम रहे जिसके कारण आज नहीं आ पाए। और जैसा कि माननीय डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि जल्द ही इस गांव का भ्रमण करेंगे, और इस भ्रमण के पीछे माननीय डिप्टी सीएम साहब की मंशा यही थी कि जो सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं वो धरातल पर सही ढंग से चल रही या नहीं चल रही, आपसे फीडबैक लेना था। आज आपने देखा होगा कि सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उसमें से कुछ लाभार्थियों को यहाँ पर वितरण किया गया, चेक वितरण किया गया, कुछ को फीस दिए गए। कुल मिलाकर आप देखेंगे कि हमारी वर्तमान प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, एक बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर के उसके आकस्मिक मृत्यु होने तक हर स्टेज पर, जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ में आता है उसका टीकाकरण होना, उसको प्रॉपर पुष्टाहार मिलना, फिर बच्चे के पैदा होने पर माँ के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाना जिससे वो अपना प्रॉपर आहार ले सके, उसके बाद आगे बच्चे की शिक्षा व्यवस्था, बच्चे के रोजगार को गांव के से और इंडस्ट्रीज से जोड़ा जाए, उसके अलावा हम अपने खेती का सही उपज प्राप्त करें, सही मूल्य प्राप्त करें, हर स्टेज पर वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ये तमाम तरह की सरकार की योजनाएं चल रही है। कुल मिलाकर सरकार की हमेशा मंशा हमारे प्रदेश सरकार की ही है कि लोग सुशिक्षित हों, लोग स्वस्थ हों, लोग आत्मनिर्भर हों और हमारे जनपद, हमारा प्रदेश, हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे, उसी को लेकर के आज यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मैं विकास परिवार का विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोगों ने बहुत ही शॉर्ट नोटिस में बहुत ही बेहतर ढंग से यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया। यद्यपि लोगों के मन में थोड़ा इस बात का निश्चित रूप से गिला होगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाए, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि अगली जब भी विजिट होगी तो मैं ब्लॉक प्रमुख जी से फिर आग्रह करूंगा और इस गांव में हम लोग फिर आएंगे। डॉक्टर नवदीप जी ने बड़े अच्छे से तैयारी की है, कोई टीम ने बहुत अच्छे से तैयारी की है, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आपका गांव चयनित इसीलिए किया गया था कि हम लोगों को विश्वास था कि आपके गांव में विकास कार्य बेहतर हुए हैं, एक अच्छा यहाँ के माननीय डिप्टी सीएम साहब को एक अच्छी नजारा दिखेगा, एक अच्छा सीन दिखेगा। और सुबह से आप लोग उप मुख्यमंत्री जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, आप सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत आभार। आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहूंगा कि यहाँ के प्रधान जी, यहाँ के और भी जो जनप्रतिनिधि हैं, और आप लोगों से कि सरकार की एक मंशा ये भी रहती है कि पारदर्शी सरकार है, लोगों की जो सरकार की योजनाएं हैं लोगों तक सही ढंग से सही समय पर पहुंचे, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि योजना बनना एक बात है, आप तक पहुंचना एक बात है। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन करने के पीछे जो मंशा होती है यही होती है कि इस तरह की योजनाएं सही ढंग से रूप में 1,52,00,000 रुपए के डेमो के रूप में बड़ी धनराशि 1,54,92,000 की धनराशि का चेक ये शौचालय के निर्माण के लिए डेमो के द्वारा आए। किसी के साथ श्री भजन पाल जी को किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में 10,00,000 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। आप भी बधाई के पात्र हैं, अच्छा रोजगार अपने। अब उद्यान विभाग, मधुमक्खी पालन के कार्यक्रमों द्वारा श्री रोशन लाल जी को जो लाल तालियों से तालियों की लड़ाई नहीं बता रही है, हमारे मध्यमंत्रियों के महोदय के कार्यक्रमों द्वारा श्री पाल जी चेक प्रदान करते हुए अब इन योजना रूप में 1,52,00,000 रुपए के डेमो के रूप में बड़ी धनराशि 1,54,92,000 की धनराशि का चेक ये शौचालय के निर्माण के लिए डेमो के द्वारा आए। किसी के साथ श्री भजन पाल जी को किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में 10,00,000 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। आप भी बधाई के पात्र हैं, अच्छा रोजगार अपने। अब उद्यान विभाग, मधुमक्खी पालन के कार्यक्रमों द्वारा श्री रोशन लाल जी को जो लाल तालियों से तालियों की लड़ाई नहीं बता रही है, हमारे मध्यमंत्री महोदय के कार्यक्रमों द्वारा श्री पाल जी चेक प्रदान करते हुए अब इन योजना